अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम माय चैनल ओरिजिन एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए एलस्ट्रेटर का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ जो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी इमेज में या किसी भी ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन कैसे डालते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले हम कोई भी इमेज ले लें। ये हमारे पास इमेज ओपन हो चुकी है, इसको हम स्केल टूल से थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फिर हम सेलेक्ट करके हम स्केल टूल की मदद से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगर आप उसको शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये अपनी शेप से चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका साइज बड़ा होगा। इसी इमेज को कॉपी पेस्ट करने के दो तरीके, एक तो आप इस इमेज को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करके और इधर ही कंट्रोल वी कर दें तो आपके पास ये इमेज सेव हो जाएगी। ठीक है, आप इसको इसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या है, आप इसको सेलेक्ट एडिट पर जाएँ, कॉपी करें, अगेन आप एडिट पर जाएँ और पेस्ट इन प्लेस कर दें। ठीक है, इसी इमेज की जगह पे वो दूसरी इमेज पेस्ट हो गई है। ठीक है, अब हमने यहाँ से ट्रांसफॉर्म माउस का अपने लेफ्ट बटन प्रेस करके ट्रांसफॉर्म में जाके आपने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, और रिफ्लेक्ट करके आप इसको हॉरिजेंटली वर्टिकल करेंगे तो ये ऐसे होगी, हॉरिजेंटल हमने इसको रिफ्लेक्ट करना है, हमने इसकी कॉपी लेनी है। ठीक है, ये इसकी अभी आप इसको उठा के यहाँ पे नीचे रखते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल इसके बराबर पे आप इसको रखते हैं, ये हो गया। ठीक है, इसको अब हम एक सर्कल रेक्टेंगुलर लेंगे, रेक्टेंगुलर लेके हम इसको अब ड्रॉ करें। ठीक है, इसमें से आप ग्रेडियंट फिलहाल निकाल दें, इसको आप ग्रे कलर दे दें। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे इसकी जगह पे और इसको आप इस रिफ्लेक्शन वाली जो इमेज हमने बनाई है उस पूरी पे इसको आप ऐसे रखें। ठीक है, ये हो गया। अब आप इस रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट करके यहाँ यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करें तो आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आपने इस पर क्लिक करके मेक मास्क, ठीक है, मेक मास्क करना है। यहाँ पे इस पर क्लिक हुआ है तो मतलब हमारी नीचे जो इमेज है उस पर काम हो रहा है, लेकिन हमने इस पर काम करना है तो आप इस पर क्लिक करें, क्लिप पे टिक, इसको आप अनमार्क कर दें। ठीक है, और यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लें। ठीक है, जितनी आपको जितना शेडो चाहिए उस लिहाज से आप इसकी ओपेसिटी कम कर दें। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपने जाना है ग्रेडियंट टूल पे, ग्रेडियंट टूल में आपने इसमें लाना है ब्लैक कलर। यहाँ पर ब्लैक कलर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट करके यहाँ से आप इसको -90 डिग्री भी कर दें तो आपका ये शेडो रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका शेडो रेडी हो गया। यहाँ से आपको जितनी भी इसकी इसका शेडो जितना भी चाहिए आप उतना शेडो इसका दे सकते हैं। ठीक है, ये था आज का टॉपिक, रिफ्लेक्शन। किसी भी चीज़ में, किसी भी ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन डालना मैंने आपको सिखाया है। कल मैं आपके लिए कोई नया टॉपिक लेके आऊँगी। आई होप आपको इस सब की आई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।